You all know that कि लास्ट ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर हमारा जो है दैट वी कंप्लीटेड, इसके साथ रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेटे जो है एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज की, इनको कंप्लीट करेंगे बेटे. वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाई 30 kV इलेक्ट्रॉन्स. बेटा फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ लेमडा फॉर द एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाई 30 kV इलेक्ट्रॉन्स. 30 kV इलेक्ट्रॉन्स जो है आप इनकी एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंगली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड आपको बेटे फर्दर मोर जो मिनिमम वेवलेंथ है दिस इज बेटे नीडेड. सो आपको ये वी जो है उन्होंने दे रखा है, आपको बाकी के पैरामीटर्स जो है बेटे जैसे पूछे गए हैं इनको कैलकुलेट करना है. सो बेटे डियर चिल्ड्रन यू नो दैट कि हमारा जो एनर्जी ई है बिकॉज आपको न्यू निकालना है एच न्यू के बराबर होता है और एनर्जी ई आपने बात की थी कि 1/2 mv² जो है दिस इज आल्सो इक्वल टू ई इनटू वी वेयर स्मॉल ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड वी इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एक्सेलरेटेड. बेटा सो यू कंपेयर जस्ट दीज टू इक्वेशंस, आपके पास एच न्यू इज इक्वल टू ई इंटू वी के बराबर आ जाएगा. न्यू जो होगा इट विल बी ई इंटू वी अपॉन एच. वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. ई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ -19 कूलम. बी आपको 30 kV उत्तर दिया हुआ है. 30 kV इसको आप 30,000 volts लिख लीजिए. एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है 6.625 × 10⁻¹⁴ J/s इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ करती है. और जब बेटे आप कैलकुलेशन कंप्लीट कर लोगे आपका जो फ्रीक्वेंसी है इट विल बी 7.24 × 10⁻¹⁸ Hz. 24 × 10⁻¹⁸ Hz इतना आपका बेटा फ्रीक्वेंसी जो है इन इलेक्ट्रॉन्स का जो आप इनको एक्सेलरेट कर रहे हो 30 kV के पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू यू विल गेट दिस. हमें बेटे ये भी पता है बी पार्ट, जैसे आपको उन्होंने मिनिमम वेवलेंथ निकालने को कहा है यहाँ पे आप जानते हैं सी दिस इज इक्वल टू न्यू लैम्डा हुआ करता है. आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स का बेटे निकालना है. सो आपका जो लैम्डा होगा इट विल बी सी बाई न्यू और जो लैम्डा है सी इट इज 3 × 10⁸. न्यू आपने निकाल रखा है 7.24 × 10⁻¹⁸. लैम्डा विल बी 3/7.2 × 10⁻¹⁰ और ये आप जब सॉल्व कर लोगे आपके पास बेटे 0.41 लैम्डा जो है 0.41 × 10⁻¹⁰ मीटर्स के बराबर आपका जो है बेटा ये वेवलेंथ लैम्डा वर्कआउट आप कर लोगे. सो दिस इज हाउ यू आर टू कैलकुलेट द वेवलेंथ. और फर्दर मोर बेटे इस तरीके से आप ये चलिए आपका बेसिक टाइप का न्यूमेरिकल था. इसके बिना आइए बेटे एक और वर्क फंक्शन के साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करके देखें. दिस इज वेरी सेकंड क्वेश्चन बेटा, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस क्वेश्चन. आपको कहा गया है द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 eV. वर्क फंक्शन बेटे सीजियम मेटल का जो है आप W से या फाई से भी नोट कर सकते हो.
2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना वर्क फंक्शन है दिया हुआ आपको. व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁴ हर्ट्ज, लाइट 6 × 10⁴ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है, इट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, जो आपकी सरफेस प्रोवाइडेड है. फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स, ये वर्क फंक्शन है, ये लाइट इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी है, फोटो एमिशन स्टार्ट हो गया. व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं उनकी निकालिए. मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट निकालेंगे. तीसरा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वी मैक्सिमम कितना होगा, दिस इज आल्सो बेटे नीड. तो ये कुछ बेटे आपकी चीजें हैं कैलकुलेट करने वाली. आइए बेटे इन पे वन बाय वन फोकस करें. फाइ आपको जो दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, हमारा सबसे पहला काम होता है इसको जूल्स में कन्वर्ट करना. 2.14 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स के बराबर आपका ये बेटे आ जाएगा फाइ. और आप इसकी वैल्यू वर्कआउट करके देख लीजिए कितनी आ रही है, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. तो ये वर्क फंक्शन आपका जो है ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद, दिस इज 3.424 टेन डेज फॉर बेटे, दिस इज योर माइनस 19 आपके पास रुपए जो है जूल्स के बराबर आ रहा है. ये आपके पास वर्क फंक्शन हो गया, फ्रीक्वेंसी आपके पास है, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है इस सिचुएशन में. और बच्चों काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप जानते हैं आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस द वर्क फंक्शन फाई. एच न्यू आप वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एच की वैल्यू आप जानते ही हैं कितनी है, न्यू फ्रीक्वेंसी आपको वैसे गिवन है, और ये फाई या डब्ल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया. लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 6.625 × 10⁻¹⁴ फ्रीक्वेंसी न्यू इज 6 × 10⁻¹⁴ माइनस दिस इज 3.42 × 10⁻¹⁹. तो इसको आपने सॉल्व करना है. ये डिफरेंस जब आप लेंगे तो आपके पास बेटे देखो, पहले पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं, 10 की कितनी आपकी बन रही है. 6.625 × 6 × 10⁻¹⁴ ये −20 बचा जी, इधर है 3.42 × 10⁻¹⁹. तो इसको आप एक पावर यहाँ पे जीरो लगा दो और इसकी पावर जो है 19 कर दो, और जो फैक्टर आपका कॉमन एडजस्टेबल है इस फैक्टर को बेटे कॉमन आप निकाल लीजिए. सो काइनेटिक एनर्जी में आपके पास ई जो है इट विल बी इक्वल टू 10⁻¹⁹ आपने लिया जी कॉमन, तो यू आर लेफ्ट विद 6.625 × 60, ये आपका प्रोडक्ट आ गया, माइनस 3.424 ये आपके पास आ जाएगा. अब बच्चों जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये जो आपका छोटा सा कैलकुलेशन है, इट विल बी बेटे ऑब्वियसली हमारे पास बेटे जो है आफ्टर कैलकुलेटिंग, लेट मी सी व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी बेटा. काइनेटिक एनर्जी आपके पास बेटे जो है 0.55 × 10⁻¹⁹ जूल्स के करीब जो है एनर्जी, दिस इज टर्निंग आउट टू बी देयर. और आप चेक करके देखिए इज इट राइट और नॉट बेटा, अपना आंसर एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा. ये यहां पे मुझे लगता है 0.6 आएगा हमारा बेटा, एक बार रीचेक करिएगा. दिस इज 0.6 हमने डिवाइड किया था, तो
दिस शुड ऑल्सो बी 0.6 बिटे, एक डेसिमल का आपको एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए. दिस इज देन, अगर आप कैलकुलेशन परफॉर्म करके कंप्लीट कर लोगे, 0.55, ये सारा सॉल्व करने के बाद 10^-19 जूल्स के बराबर आपकी काइनेटिक एनर्जी बेटे इलेक्ट्रॉन्स की जो है आपको मिल रही है. लेकिन डियर चिल्ड्रन, कई बार हमें अपना जो रिजल्ट है ये जूल्स में नहीं चाहिए होता है, हम इसको बेटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कई बार अपने रिजल्ट को कन्वर्ट करना ज्यादा बेटर समझते हैं. तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी जो आपने 0.55 इंटू 10^-19 जूल्स निकाला है, ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास 0.55 10^-19 अपॉन 1.6 इंटू 10^-19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर बच्चों आ जाएगी. जब हम इसको रीएडजस्टमेंट करेंगे टर्म्स का, तो दिस विल बी बेटे ऑब्वियसली लेस देन आपका जो आ जाएगा 1 आएगा, बिकॉज आपका डिनोमिनेटर जो है दिस इज लार्जर इन केस दिस केस विद. सो ये आपका 0.3 एंड सेकेंड डिजिट इज टर्निंग आउट टू बी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बेटा. 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आपके जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, ये आपको मिल जाती है. अब आपको बेटे स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है जब, तो यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट काफी काम आएगा, बिकॉज यू नो दैट कि आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये, अब आप ई से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर रह जाएगा, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई ई. ये आपने ऑलरेडी 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकाला हुआ है, दिस विल गेट कैंसल्ड, और बी आपका 0.34 वोल्ट्स के बराबर आपके पास आ जाएगा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल. मतलब कि अगर आप अपने मूविंग इलेक्ट्रॉन को जो आप इस काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करवा रहे थे, इस पोटेंशियल के अगेंस्ट बेटा स्टॉप करने की कोशिश करोगे, तो ऑब्वियसली आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है दैट विल टर्न आउट टू बी 0. और डियर चिल्ड्रन, थर्ड पार्ट में आपको अपने इस रिजल्ट की काफी हेल्प हो जाएगी जो आपने ये निकाल रखा था काइनेटिक एनर्जी के लिए, बिकॉज वी इंटेंड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी ओवर द ईयर. और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हम बेटा अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला है. इस फॉर्मूला को आपने जो निकाली है वैल्यू 0.55 10^-19 जूल्स आपने निकाल रखा है. इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते ही हैं 9.1 10^-31 इंटू वी स्केयर, दिस इज 0.55 10^-19. बेटे सारे स्टूडेंट्स जरा बी निकालना, यहां से कैलकुलेट करना. चरणजोत, गुंजोत, ध्रुव, लक्ष्य, बेटा बेटे ये डाटा कंपेयर करके जरा वैल्यू निकालिएगा बी की कितनी आ रही है, किस मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, चेक करिएगा बेटा. ऑल ऑफ यू बेटा, मुश्किल नहीं है, सिंपल आसान सा कैलकुलेशन है, थोड़ा देखने में लेंथी जरूर लग रहा है, बट वेन वी विल बी एडजस्टिंग द टर्म्स इट विल बिकम क्वाइट ईजी. कुछ फैक्टर्स आपके कट जाएंगे एज सच, और फिर आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात फेस नहीं करनी पड़ेगी बेटा. चेक करिएगा जल्दी से बेटा. V का स्केयर जो है 2.55 10^-19 डिवाइडेड बाई 9.1 10^-31, और V इसके स्केयर रूट के बराबर आ जाएगा इस तरीके से. और बेटा ये देखिएगा, ये आपके पास आ गया 1.10 10^-19 + 31
divided by 9.1 all under the root और ये बन गया 1.10 divided by 9.1 under root 10 की पावर बच गई जी आपके पास 12 चेक करिएगा और इसको जब आप फर्दर मोर सॉल्व कर लोगे 3.47 इंटू 10 डेज पर 5 मीटर्स पर सेकंड आपकी बेटे इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है आपको मैक्सिमम स्पीड रादर जो है आपको मिल जाएगी. सो डियर चिल्ड्रन एक बार देखिए और बताइए यू आर गेटिंग दिस और नॉट. ऑल ऑफ यू बेटा ध्रुव लक्ष्य गुंजोत चरणजोत सिंह मुश्किल नहीं है वैसे आसान है. क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करेंगे बेटे आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5. लेट अस कंटिन्यू विद द एनसीईआरटी एक्सरसाइज ड्यू नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस. लास्ट टाइम आपने चैप्टर कंप्लीट किया फिनिश किया अब हम इसकी एक्सरसाइज आज फिनिश कर देंगे. कल हम एटॉमिक न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे. न्यूमेरिकल नंबर 5 द एनर्जी फ्लक्स ऑफ द sunlight reaching the surface of the earth is given to us beta aur ye aapke paas hai energy flux this is given to be 1.388 × 10³ watt पर मीटर स्क्वायर. रिपीट करूंगा मैं बेटा द एनर्जी फ्लक्स ऑफ द सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज दिस मच. हाउ मेनी फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड. हाउ मेनी फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ. अज्यूम दैट द फोटॉन्स in the sunlight have an average wavelength of 550 nanometer. ये आपको wavelength electrons की जो है बेटे ये दे रखी है. आपको बताना है कि कितने electrons जो हैं यहाँ पर per second per unit area earth की surface पे fall कर रहे हैं. So lambda आपको 550 nanometer ये आपने इसके बना लिए जी मीटर्स. फिर देखिए आपको एनर्जी फ्लक्स दे रखा है 5. दिस इज 1.388 × 10³ वॉट पर मीटर स्क्वायर राइट. और एच आप जानते ही हैं प्लैंक्स कांस्टेंट होता है आपका 6.625 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड्स. ये आपको वैसे फिगर याद है चाहे वो दें चाहे ना दें. आपको सी भी आपको पता ही होता है स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है. और एनर्जी हरेक फोटोन का जो है एनर्जी ई दिस इज इक्वल टू एच न्यू ये आपको बेटे अच्छे से पता ही है. और एनर्जी ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा आ जाएगा. और डियर चिल्ड्रन आप एनर्जी ये निकाल लीजिए एक फोटोन का एनर्जी का फ्लक्स आपके पास है उसको बेटे एनर्जी फ्लक्स को इस एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दीजिए आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स डायरेक्टली आ जाएंगे बेटा. सो ये आपके पास बेटे जब वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन करोगे 6.625 × 10⁻³ × 10⁸ इन द डिनोमिनेटर 550 × 10⁻⁹ एंड व्हेन यू मेक द कैलकुलेशंस बेटा आपका 3.61 10⁻³ बेटे आपके पास -19 जूल्स के करीब एनर्जी एक फोटोन का आपको मिला. एनर्जी फ्लक्स आपके पास है टोटल एनर्जी मतलब कि आपके पास ऑलरेडी पड़ी है
number of photons per square meter of the earth n, this will be equal to phi upon e. Phi आपका था 1.38 × 10³ और इन द डिनोमिनेटर दिस इज 3.61 × 10⁻¹⁹. पावर्स को पहले एडजस्ट करिए, 1.38 × 3.61 × 10³³¹⁹ ऊपर जाकर आपका पॉजिटिव हो जाएगा. एंड व्हेन यू विल बी मेकिंग द कैलकुलेशन दिस इज विटी यूर 3.85 पॉइंट्स डेसिमल्स यहाँ पे एडजस्ट किए गए हैं इनटू 10⁻²¹. इतने फोटॉन्स आपके सनलाइट के जो है वो बेटे पर स्क्वायर मीटर एरिया और पर सेकंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बेटे जो है ये फॉल कर रहे हैं. सो इन दिस वे बेटे आपको ये न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल नंबर 5 सॉल्व करना. चरणजोत गुरजोत लक्ष्य मानविया बेटा क्लियर टू ऑल? ओके बेटा चलिए फिर आगे चलें. देन बेटे वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, ये आपको सीबीएसई में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है, बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है. डियर चिल्ड्रन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है यहां पर, बिकॉज एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं. आइए मैं स्टेटमेंट पार्ट पढ़ दूं और फिर एक बार बेटे इसको सॉल्व करके देखें क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है आपको. ये बेटे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, 8 क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का. द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सम मेटल इज 3.3 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट हो गया, ये आपको 3.3 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज बच्चों दी हुई है. इफ द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 8.2 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज, 8.2 × 10⁻¹⁴ हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट लाइट जो है इट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, प्रिडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बेटा बच्चों आपको कट ऑफ वोल्टेज बतानी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या होगी. अगेन क्वेश्चन समझिए पहले, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी मेटल की दी हुई है, जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की है वो भी दी हुई है, आपको कट ऑफ पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज जो है बेटा ये वर्कआउट करना है. तो यू कैन मेक यूज ऑफ आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन 1/2 mv² h(v)-h(v)₀. लेकिन ये आपका जो है काइनेटिक एनर्जी e·v के बराबर भी होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. और आपको बिकॉज कट ऑफ वोल्टेज निकालने को उन्होंने बोला है तो ये कट ऑफ वोल्टेज जो है h(v)-v₀/e इट विल बी बेटे देयर. तो अब बेटे सिंपल वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन ही रह जाता है, 6.625 × 10⁻¹⁴ आपका h का वैल्यू, न्यू 8.2 × 10⁻¹⁴, न्यू नॉट दिस इज 3.3 × 10⁻¹⁴, इन द डिनोमिनेटर e इज 1.6 × 10⁻¹⁹. बेटे आइए इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें टर्म्स का, 6.625 × 10⁻¹⁴, ये 10⁻¹ⁱ कॉमन निकालिए, 8.2 में से 3.3 करिए माइनस, 4.9 इट विल बी 4.9 राइट. इन द डिनोमिनेटर आपके पास आ गया 1.6 × 10⁻¹⁹. अगेन रीएडजस्टमेंट करेंगे टर्म्स का, इट विल बी 6.625, ये टर्म पिक की, इसको पिक करो 4.9 को, इन द डिनोमिनेटर 1.6
10 की पावर एडजस्ट करिए, माइनस का 34 एक, प्लस का 14 एक, ये प्लस का 19 एक, ये आपका 33 हो जाएगा, ये 34 है, पावर माइनस एक बच गया आपके पास। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू डेफिनेटली विल बी गेटिंग इट टू बी 2.03 वोल्ट्स रेटेड, 2.03 वोल्ट आपके पास कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपको बच्चों मिल रहा है। बेटे चेक करके बताइए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? मानविया, लक्ष्य, गुंजोत, चरणजोत, डियर चिल्ड्रन, इस कंसेप्ट के बेसिस पे रिपीटेडली पूछते हैं एग्जामिनर क्वेश्चंस, दो या तीन नंबर में न्यूमेरिकल ऐसा डेफिनेटली आता है। गुंजोत, देन बेटा प्रॉब्लम नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, लेट अस फोकस अपॉन दैट आल्सो। प्रॉब्लम नंबर 12, न्यूमेरिकल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, आइए देखें। लेट अस रिपीट, फोकस अपॉन क्वेश्चन नंबर 12। आपको दिया गया है कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 56 वोल्ट। 56 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से आपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया है, आपको मोमेंटम निकालना है एंड आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। दो चीजें आपको निकालने को कहा गया है। एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड? चरणजोत, गुंजोत, लक्ष्य, मानविया, मोमेंटम पी दिस इज इक्वल टू 2 × m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वी द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, ई आपने ऑलरेडी बताई रिलेशनशिप कर रखा है, डिराइव कर रखा है, सिंपली वैल्यूज जो भी आपके पास अवेलेबल हैं पुट कर दीजिए। 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁻³ और 56 वोल्ट आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है। और बेटे जब आप ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, इसको 56 वोल्ट्स है बेटे, ये आपको थोड़ा सा जूल्स में कन्वर्शन के लिए ये फैक्टर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाएगा। और बेटे जब आप इसको कैलकुलेट करके आंसर को देखोगे इसके मोमेंटम के, तो 4.04 जो आंसर मेरे पास अवेलेबल है इनटू 10 रेस पर बेटे इट इज -24 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। ये बच्चों आपके पास मोमेंटम जो है ये निकल आता है इस केस में। और बेटे डी ब्रोगली वेवलेंथ आपका जो है लेमडा, आई थिंक हमने एक रिलेशनशिप बेटे कल किया था डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए, जिसमें इट वाज 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी एंगस्ट्रॉम्स। और ये मैंने आपको बोला था कि रिलेशनशिप 3 नंबर में एसएच रे ये भी आ जाया करता है, न्यूमेरिकल तो चलो आता ही आता है, इसको प्रूव करना भी वो पूछ लेते हैं। 12.27 डिवाइडेड बाय 56 अंडर द रूट इतने एंगस्ट्रॉम्स, जब आप 56 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे कंप्लीटली तो ये आपके पास बेटे जो है 1.64 एंगस्ट्रॉम का आंसर आपका बन रहा है। कोशिश करिएगा, इसको क्रॉस चेक करिएगा एंड चेक करिएगा कि यू आर ऑल गेटिंग इट और नॉट। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइएगा। राइट जी, ओके नाइस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस फोकस अपॉन दैट। ओके बेटा, ओके, क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज बेटे
Calculate the momentum, speed, and de Broglie wavelength of an electron with kinetic energy 120 electron volts. Vite. आपको 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की काइनेटिक एनर्जी दी गई है, आपको मोमेंटम ढूंढना है इलेक्ट्रॉन्स का, आपको स्पीड ढूंढनी है इलेक्ट्रॉन्स की, आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन्स का जो है ये भी वर्कआउट करना है बेटा। तो ये देखिएगा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, इसके आपको जूल्स बनाने पड़ेंगे। मोमेंटम निकालने के लिए आपके पास बेटे जो है वो देखिए 2 × m × e आपने कर रखा है। यस, ये आपके 2 × mass 9.1 × 10⁻³⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 120 1.6 × 10⁻¹⁹, this is all under the root. और बेटे when we will be making this calculation, ये 5.91 × 10⁻¹⁴ आपके पास −24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम आप निकाल लेते हैं। और मोमेंटम के बाद काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, अच्छा बेटे आप एक डायरेक्टली भी निकाल सकते हो स्पीड को, आप जानते हैं मोमेंटम m × v होता है, तो स्पीड विल बी मोमेंटम अपॉन मास, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमें काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट की ही जरूरत होगी, आपने मोमेंटम ऑलरेडी निकाल रखा है। ये जो मोमेंटम आपने कैलकुलेट कर रखा है, इस मोमेंटम के साथ ही आप सिंपल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करके जो स्पीड है बच्चों ये निकाल सकते हो। आइए देखें, कैलकुलेट करके आपका जो स्पीड है, मोमेंटम था 5.91 × 10⁻²⁴ इन द डिनोमिनेटर, मास इज 9.1 × 10⁻³⁹ kg, तो ये स्पीड आ जाएगा आपका, इट विल बी 5.91 ÷ 9.1 × 10⁻²⁴ + 31 when you will make the calculation बेटा, आपके पास ये 6.5 × 10⁻⁶ meters per second ये बच्चों स्पीड आ रहा है। तीसरा पैरामीटर आपको जो निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ का है, डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा, लेमडा इसके लिए आपने काफी सारे रिलेशनशिप्स बेटे कर रखे हैं, आप इसको एच अपॉन पी भी कर सकते हो, पी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, और एच इज 6.625 × 10⁻³⁴, पी आपने निकाला है 5.91 × 10⁻²⁴। तो डियर चिल्ड्रन, सिंपल सब्स्टिट्यूशन वैल्यूज का करने के बाद 6.625 × 5.91 × 10⁻³⁰ इट विल बी, और लैम्डा आपके पास 1.121 × 10⁻⁻¹⁰ मीटर्स, या 1.121 angstroms भी आप कह सकते हो। सो इस तरीके से देखिए आप अपना ये जो न्यूमेरिकल है, आई थिंक इट वाज न्यूमेरिकल नंबर 13, ये कंप्लीट कर सकते हो बेटे। अभी आपका ब्रेक का टाइम हो रहा है, न्यूमेरिकल नंबर बेटे 15, 14 ये आप और 16 बिल्कुल मिलते जुलते हैं, इनको आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। और इन सबसे बेटे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल एक हमारा रह गया करने वाला, नेक्स्ट टाइम करवा के देन वी विल बिगिन विद द न्यू चैप्टर। 11.2 नंबर न्यूमेरिकल जो है ये रिपीटेडली आपके CBSE एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको फिर नेक्स्ट टाइम करके फिर हम आगे चलेंगे बेटे। सो थैंक यू ऑल बेटे, डियर चिल्ड्रन।